मेरा अकाउंट आज वेरीफाई हो गया है, जिसमें मेरा भी नाम ले लिया करो, मैं बहुत काम करती हूँ और मेरा नाम नहीं आता बिल्कुल भी। तो अभी हमारा स्टार बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी मैं आपको अपने ईद की ड्रेस दिखाऊंगी अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज है मेरा रमजान का सेकंड व्लॉग और आज है फ्राइडे और आज है अलविदा जुम्मा। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया व्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे फ्रेश होना था सुबह उठकर और मैं बिल्कुल सुबह ही सोई थी तो उठा नहीं जा रहा था। तो उसके बाद अब मैं बिल्कुल नमाज पढ़कर आ गई हूँ और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया अपना। और आज जो है वो लास्ट फ्राइडे है रमजान का, तो बहुत ही सैड लग रहा है यार, क्योंकि रमजान इतनी जल्दी जा रहे हैं और ईद भी आने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अलविदा जुम्मे का व्लॉग बना लेती हूँ और आज आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है, तो आप लोग देखते रहो। तो अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा इफ्तार का टाइम, तब तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है। तो चलो आप लोग ब्लॉग देखते रहो। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा इफ्तार का टाइम, तो अभी तो सब कुछ बन रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमारा तैयार हो गया है मैंगो शेक, ये तो बिल्कुल रेडी है, अब इसको बस डालना है, सर्व करना है। और हम लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे क्योंकि आजकल ऐसा टाइम चल रहा है, इस टाइम पर अगर कोल्ड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे आइसक्रीम। और हाँ, आज घर में बन रही है डिनर के लिए बिरयानी, तो बिरयानी का भी थोड़ा सामान जो मैं दिखाती हूँ रेडी हो गया है। ये देखो, इसमें भी चावल है, इसमें भी, और इसमें, इसमें भी नहीं, इसमें तो चिकन है। तो मैं आ गई अभी अपने रूम में। आज थोड़ी सी भूख लग रही है और प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा लेट ही उठते हैं तो इतना पता नहीं चलता रोजे का, और घर में तो पता नहीं चलता किसी को भी, काम वाम करने में पता चलता है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या बनता है अभी, और भी चीजें जो इफ्तार के लिए बनेंगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको लेकर चलूंगी फिर से किचन में और फिर हम लोग साथ में बनाएंगे। कीमे वाले समोसे, और ये तो दिखाया था मैंने, और इधर पनीर है, और ये है बेसन, और ये है प्याज, और ये गुलगुले, और ये जो आप देख रहे हैं ये चिप्स का पूरा डब्बा। तो चलो अब ये बनता है, बनने के बाद दिखाऊंगी मैं। मैं आकर थोड़ा सा लेट गई यहाँ पर रूम में, क्योंकि मुझे थोड़े से चक्कर आने लगे थे बाहर, मतलब हॉल में। आजकल गर्मी हो गई है इतनी ज़्यादा कि, और हमारा रूम तो भाई बिल्कुल गंदा हो रहा है बहुत ही। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या अभी तक आप लोगों ने मुझे स्नैपचैट पर सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो जाकर जल्दी से कर लो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, यूजर नेम है ये मेरा, उस पर आपको जाना, मुझे सब्सक्राइब करना है और वहाँ पर आपको मेरी अपडेट्स मिलेंगी। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरा अकाउंट आज वेरीफाई हो गया है, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, और आज ही सुबह हुआ तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। और आज की डेट मैं आपको बता देती हूँ, आज डेट है 7 मई, तो याद रहेगा मुझे हमेशा ये कि आज वेरीफाई हुआ था। तो अभी हमारा स्टार बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसको ले जाकर हमें दस्तरखान पे लगाना है, सर्व करना है अच्छे से। तो चलो अब देकर चलते जल्दी, टाइम भी नहीं हमारे परवरदिगार, हम सब गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह आपके आगे हाथ फैलाए बैठे हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफरत कर दीजिए, अल्लाह हिंदुस्तान में जो इस टाइम में जो कोरोना वायरस का कहर जारी है, अल्लाह इसको अपने रहम करम से ख़त्म कर दीजिए, अल्लाह जो लोग इस बीमारी में परेशान हाल हैं, जो भी मुबतला हैं, अल्लाह उन सबको शफा अता फरमाइए, अल्लाह हर इंसान जो इस बीमारी से परेशान है, अल्लाह खा कोई भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी मुल्क में हो, अल्लाह उनको इन परेशानी से। अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और अभी इशा की नमाज पढ़ेंगे हम लोग, और साथ ही साथ तरावी पढ़ेंगे, और अभी जब तरावी पढ़ के आ जाएंगे हम लोग तब मिलेंगे आपसे। हाँ, और मैं अभी सो कर उठी हूँ, तो मैं नहीं सोई थी बिल्कुल भी। तो चलो अभी मैं जल्दी से जाती हूँ, हमें लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ अभी नमाज पढ़ कर आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और उसके बाद से मैं थोड़ी देर बैठी, और फिर मैंने उस टाइम पे व्लॉग नहीं किया था, तो मैंने सोचा अरे यार व्लॉग तो रह गया, इसलिए मैंने अभी ले लिया अपना फोन, और मैं अभी आपको चल कर दिखाती हूँ कि सब लोग घर में हमारे क्या कर रहे हैं। अभी मैं अभी काम वाली बाई बनी, मुझे साफ सफाई करने से सब कुछ मैंने नीचे रखा, मुझे नहीं, हमें
अच्छा? मेरा भी नाम ले लिया करो, मैं बहुत काम करती हूँ और मेरा नाम नहीं आता बिल्कुल भी, मेरा नाम ही है झूठी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्रेडिट की झूठी कोई बात नहीं ना यार, मैं बता कर नहीं करती कि हाँ मैं कर रही हूँ ऐसा। तो चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ इधर और दिखाती हूँ क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ खास तो नहीं चल रहा है, ये एक ही चीज चलती रहती है, आईपैड लैपटॉप और मोबाइल, कुछ ज्यादा ही ऐश है। तो बस ये देखिए, यही दिख रहा है यहाँ पर जो आप, ये एक वेल्ला इंसान है। क्या तुम अपने बारे में कह रही हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं। मैं अभी चाय मैंने बनाने के लिए रख दी है, बस एक ही काम तो आता है चाय बनाना, इसके अलावा कुछ आया कभी? मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और मैं आपको अपने ईद की ड्रेस दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, और मैं भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि हम लोगों की ईद की जो ड्रेस है वो। लेकिन उससे पहले तो मैं इधर फिर से आ गई, मैं आपको दिखाती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। और इधर अम्मी बात कर रही है किसी से, तो पता नहीं घर में, तो मैं करने देती हूँ अभी, कुछ बोलूंगी नहीं। और यहाँ पे फैन चल रहा है इसलिए आपको सही से आवाज नहीं आ रही हो। अम्मी किससे बात? खाला। तो खाला से जब बात होती तो भाई कितना भी टाइम चला जाए बात खत्म ही नहीं होती। आप लोगों की मम्मी भी करती होंगी, अगर एक बार कॉल पे गई तो बस कॉल पर ही है, तो वो भी सुन रही होंगी मेरी बात, इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ और आप दिखाती हूँ। और यहाँ बन रही है चाय। चाय ये हमारे यहाँ से चाय बनी रहती है, 10 कप चाय, मलाई मार्केट चीनी। वैसे मेरी चाय बन चुकी है, अब चलो फिर निकाल लेते हैं। ये जो ये झलका था ना, ये बहुत बहुत ही, अब मैं जा रही भाग रही हूँ यहाँ से। मीना तो फोन तो दे दो भाई, ऐसा कर रही हो यार। ये मेरा व्लॉग वो है, हो गया क्या बोलते हैं, हैक। छोड़ो, अभी तो तुम जा रही थी दिखाने सबको, तो दिखाने दिया कहा, मेरे हाथ से छीन कर भाग गई ना। चलो मैं चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि पापा क्या कर रहे हैं, सबको दिखा दिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पापा कर रहे हैं अभी एडिटिंग अपने चैनल के लिए, अपनी वीडियो के लिए। तो कुछ लोगों को तो पता है कि उनका भी चैनल है, और जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि उनका भी यूट्यूब चैनल है, फाइनली वो भी यूट्यूब पर हैं। तो अब हमारी पूरी फैमिली यूट्यूब पर है, तो उनके चैनल का नाम है फैक्ट आफ्टर फैक्ट। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग घर में बोलते थे पापा से कि आप अपना भी चैनल क्रिएट करिए और उससे फैक्ट्स बताइए उसमें, ताकि हमारी नॉलेज भी बढ़े देख देख कर, और जो लोग देखेंगे उनकी भी। तो फाइनली उन्होंने भी सोचा और चैनल क्रिएट किया, और उन्हें लगता है कि उनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे और देखेंगे नहीं लोग वीडियोस, और ये हम लोगों ने चैनल क्रिएट करवाया है तो आप लोगों को अपना सपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि उन्हें भी लगे कि हाँ चैनल क्रिएट हुआ है तो ये आगे जाएगा। और तो जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इस चैनल को भी इतना ही सपोर्ट करिए, और यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगी जिससे आपकी जनरल नॉलेज जो है वो बहुत इंक्रीज होगी। हम लोग भी देखकर हमारी भी बहुत इंक्रीज होती है और बहुत नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और एंड स्क्रीन में मिलेगी, तो जाकर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो जरूर देखना। जैसा कि अभी आपको समरीन ने सारी बातें बता दी है और बताया कि चैनल के बारे में, तो एक्चुअली इन लोगों की काफी दिनों से जो है ये एक दबाव आ रहा था, काफी जो है इंसिस्ट किया जा रहा था कि एक ऐसा चैनल खोलिए जिसमें के नॉलेज मिले मुझे भी और लोगों को भी। तो एक्चुअली टाइम नहीं हो पा रहा था, लेकिन काफी जिद करने के बाद ये चैनल मैंने खोला है। चैनल का नेम है फैक्ट आफ्टर फैक्ट, जिसमें हर तरह की नॉलेज को हमने जो है इंक्लूड करने की कोशिश की है, चाहे वो साइंस से हो या डेली लाइफ से हो या फिर रियल वर्ल्ड से हो या स्पेस से हो, सभी लोगों का जो है वो नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो सके और हर फील्ड का नॉलेज इंक्रीज हो सके और ऐसे फैक्ट्स सामने लाए जाए जो लगे कि पहली बार सुनने को लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को आप लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए, ताकि मेरी हिम्मत फिर बढ़ेगी, तभी मैं इसको आगे बढ़ा पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो सपोर्ट चैनल करेंगे। को जरूर सपोर्ट करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे आए तो आप जरूर बताएं कि आप जो है वो समरीन की वीडियो देख करके आए हैं। हाँ। और ताकि मुझे लगा कि वाकई जो हम लोगों ने बोला है तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैक्ट्स आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। मैं अभी देखिए, मैं अभी इस टाइम में जो है वो आपको नए वीडियोस के लिए जो है वो एडिटिंग कर रहा हूं, तो बस आपके सपोर्ट से ही जो है ये मुमकिन हो पाएगा। चैनल का नाम आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, फैक्ट आफ्टर फैक्ट, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां जा करके चैनल पर जा सकते हैं, वहां जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस, आपको समरीन की फ्राइडे वाली वीडियो बहुत पसंद आई जिसमें समरीन ने सीक्रेट रूम बनाया था, और तो आपको ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद भी आई, सीक्रेट रूम वाली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। ऐसी वाली वीडियोस और भी लाएंगे, मतलब इस टाइप की और भी वीडियोस
जिससे हम कुछ नया क्रिएट करें। तो समरीन की आप सैटरडे वाली वीडियो को के लिए भी आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी जैसे कि रमजान है तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है हमारा, तो बीच में हम लोग शूट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं क्योंकि रोजा रहता है पूरे दिन, तो रोजे में शूट नहीं करते और रोजे के बाद करते हैं, तो उसके बाद भी नमाज पढ़नी होती है तो टाइम नहीं मिलता। अभी मतलब लैलतुल कद्र चलता है एक ही दिन बीच का, हाँ तो अभी लैलतुल कद्र भी है, सिर्फ इबादत भाई इबादत मिस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हम लोगों ने उस दिन हम लोगों का शूट था, लेकिन इसलिए हम लोगों ने नहीं किया, छोड़ दिया वो। हाँ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, और वैसे भी आप लोग हमें समझते हैं, हमारी बातें समझते हैं, तो ये भी समझे होंगे। तो थोड़ा रमजान में रूटीन हमारा चेंज हो गया। और हाँ, लेकिन सैटरडे वाली वीडियो आ जाएगी बहुत ही जल्दी, सैटरडे से पहले ही आपको देखने को मिलेगी। हाँ और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह होगा चांद रात प्लस ईद का, तो क्या आपको देखना है कमेंट में बताना। हाँ कमेंट करके बताओ आप लोग कि हम लोगों को क्या मेहंदी लगानी चाहिए। हाँ यार बताइए आप लोग कि मतलब हमें मेहंदी लगानी चाहिए चांद रात वाले दिन, मतलब ईद पर मेहंदी हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्या आप लोग हमें मेहंदी में देखना पसंद करेंगे, हाँ और ना बताइएगा जरूर। हाँ, और अभी मैं आपको मेरा ईद का कपड़ा जो है मतलब ड्रेस जो है वो सिलने के लिए गया हुआ है, क्योंकि वो मैंने पहले ही ले रखा था। हाँ हम दोनों लॉकडाउन से बहुत पहले, रमजान भी नहीं आया था तब, वही सूट अब पहनना पड़ेगा यार, क्या कर सकते। वैसे मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है, शुक्र करो कि तुम्हारे पास कुछ भी तो है पहनने के लिए। यार बहुत न्यू पहन रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब आप लोग भी बताना कमेंट करके किस किस ने ईद के कपड़े लिए हैं, उन्होंने पहले ही ले रखे थे। जिसके पास पहले कपड़े वही पहनना, बाहर मत जाना। तो चलो अब बस हम लोग चाय पी लेते हैं अपनी, ये देखो हमारी चाय, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा चाय पीने का, ठंडी हो। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और पता है इफ्तार करने के बाद जो भाई प्यास, और मुझे तो यार समंदर भी पी जाओ उसके बाद भी प्यास लगती है। और मुझे तो नींद इतनी आती है इफ्तार के बाद कि मैं क्या बताऊँ, आज मैं सो ही नहीं हूँ, मतलब इफ्तार के बाद से ऐसी हूँ, तो मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा। और फिर सुबह जब नमाज पढ़कर आ जाओ तो नींद चली जाएगी। और लगे हाथ हम लोग चाय पी रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से क्या कर रहे हैं, जाके जल्दी से हमें इंस्टा पे फॉलो करिए, हम लोग वहाँ पे बहुत अपडेट रहते हैं, और स्नैपचैट पे भी। और स्नैपचैट की आईडी आपको और स्नैपचैट का यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ जाकर हमें करिए सब्सक्राइब। समीर का अकाउंट वेरीफाई भी हो गया है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो थैंक यू सो मच, वेरीफाई भी हो गया है, तो अब आप लोगों को जाकर बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पर अपडेट मैं करती रहती हूँ बहुत सारे स्नैप्स, तो देखना जाकर। तो चलो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये मिरर में कैमरा लगाकर मैं पहली बार व्लॉग कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। तो मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था कि आप लोग ईद के व्लॉग में कुछ ऐसी चीज है जो आप लोग देखना चाहते हो, जिसके आप मतलब आप लोग देखना चाहते हो, तो आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो ताकि मुझे याद रहे कि ईद व्लॉग में ये तो जरूर दिखाना है आप लोगों को। उसमें मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको, चांद रात का भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कुछ ऐसा है जो देखना है, बिल्कुल आप लोग चाहते हो कि ये देखना है, तो बताना मुझे डिटेल। और बाकी अभी जो हमारा रूम है वो बहुत ही गंदा हो रहा है, हम अभी अपना बेडशीट चेंज करेंगे रूम बेड की, तो अभी हम लोग आपको अपना ईद का भी आउटफिट तो पूरा नहीं है अभी हम लोगों के पास, लेकिन वही दुपट्टा जो मैंने बोला था वो दिखाते हैं, आ जाओ। देखो एक मेरे पास अभी एक ही मिला मुझे जो कि ये है, एक ही आउटफिट काम चलाना बकरे भी ब्लैक था। हाँ लेकिन ये थोड़ा अलग है, वैसे ये वाला एक है और एक और है जो अभी नहीं दुपट्टा उसके मेरे पास। और यार तुम्हारा भी ईद का लास्ट ईयर का भी यही कलर था, मेरे किस्मत में मेरे ही लिखा है, लेकिन इसका जो ना इसके सूट का जो कलर है ना वो तो मेरा जो सूट है ना, मैं सोच अब मैं ना कंफ्यूज हूँ कि मेरे पास दो है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला पहनूं फर्स्ट डे में या फिर वो वाला, तो मैं तो डार्क ब्लू है, मुझे तो डार्क वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ वो ही देखूंगी क्योंकि ब्लैक मैंने पहना था कब, मैं आप लोग मुझे बताना दुपट्टे पे कुछ भी वर्क नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, तो कोई बात नहीं, पता नहीं जाना है नहीं बता रही यार, डिटेल बता रही है, सब कुछ फोटो के लिए करना चाहती है, मतलब आपके जो फैन पेजेस जो एडिट करते ना उनके लिए ही पहनती है कपड़े। सही कहा, बिल्कुल सही। तो अब यही हमने आउटफिट दिखा दिया आप लोगों को, इसने टेलर को है ना सूट दिया लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि इतने कपड़े नहीं हो पाएगा, इनका तो नहीं बन पाएगा, तो इसने रोना शुरू कर दिया, अभी आज ही की बात है ये बेचारी, तो फिर इसको चुप कर आएगा, फिर टेलर ने बोला कि सबसे पहले इसका ही सूट सिल के आएगा। हां तो वो टेलर अंकल जो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप समरीन का सिलेगा उसके बाद स्वीटी का। अब दो सूट मैंने पहले ही मंगवाया था, बहुत पहले दो सूट तो मतलब बहुत पहले नहीं, एक महीने पहले मंगवाया था दो सूट, तो मेरे पास बहुत दिनों बहुत टाइम से ये वाले रखे हुए, लेकिन सिले हुए नहीं थे, तो ये अभी सिल रहे। हाँ मेरा भी सिला, मैंने मेरा वो कोई इरादा नहीं था उसे सिलने का, वो बस मैंने ऐसे ही मंगवाया था। मैंने ना किसी मतलब मैंने जो ये कपड़े लिए थे वो ईद के लिए नहीं लिए थे, मतलब ये सोचकर नहीं लिए थे कि ईद के लिए लूंगी। हाँ यार मेरा हम लोग मतलब ये है कि चलो
चलो अब है हमारे पास तो यही पहन ले, और होता तो हम ऑर्डर भी कर लेते लेकिन लेकिन जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर तो नहीं। यहाँ पर क्या दिल्ली में आई नहीं रहा, दिल्ली में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। वैसे पता चल गया कि ये लॉकडाउन हो रहा था इसलिए मैं अपने बर्थडे का इंशाल्लाह पहले ही शॉपिंग करके रख लूंगी। मैं भी इंशाल्लाह बर्थडे की शॉपिंग कर लूंगी। और आप लोग बताओ कि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए जो कि है 6 जुलाई को, जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और एक और बात बोलती हूँ मैं, हम लोगों ने बिल्कुल मतलब कि जल्दी बोल दिमाग खराब कर रही है फिर से। तो हम लोगों ने जो है ना लॉकडाउन लगने से पहले मतलब लास्ट जो हम लोगों ने रमजान से पहले शॉपिंग करी थी तो उसमें हम लोगों ने सब कुछ ले लिया था, सब कुछ। ये देखो हमने, अच्छा हुआ यार कि हमने ये ले लिया था लेंस। लेंस तो छोड़ो, लेंस तो छोड़ी दो, फाउंडेशन, लेंस पाउडर, हमने लैशेज, मस्कारा लिया था, वो भी सारे 4 महीने का लेंस है, ग्रीन ब्लू सब ले लिया था। और मैंने अपनी शीट मास्क भी मंगवा ली थी, इसके बिना मैं मेकअप। और आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये जो मेरे बाल आपको इतने छोटे से दिख रहे हैं ये मैंने खुद से हाथ से काट लिए हैं और मैं पागल लग रही हूँ इसको काटने के बाद। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितना कुछ बताओगे भाई, ज्ञान दे रही हूँ मैं, लेकिन एक बहुत ही काम की चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जब भी आप अपना बाल कर्ल करते या फिर कुछ भी हीट यूज करते अपने बालों पे तो आप वो लगाया करो जल्दी, हीट प्रोटेक्टर लगाया करो, हीट प्रोटेक्ट स्प्रे। तो ये आज मैं कैसे ब्लॉग कर रही हूँ देखा आपने, आज कैसा लगा मेरा न्यू स्टाइल, कैसा लगा मेरा मजा। तो चलिए अब मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे हमारे पर्दे चेंज हुए हैं, यहाँ पर्दे चेंज हो गए हमारे, हालत दिखाओ ये है। अभी नीचे का कारपेट भी धुला है, वो हम लोग चांद रात वाले दिन बिछाएंगे, अभी नहीं। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल आपको सेटअप अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको सारा कुछ क्लीन एंड क्लियर दिखेगा। तो अब मेरे हिसाब से यहीं पे खत्म करना चाहिए हमें व्लॉग, क्योंकि बहुत लंबा लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही कहा, तो आ जाओ चलो एंडिंग करते हैं। तो देखा आपने, यही था हमारा अलविदा जुमे का व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं, उसको जल्दी एंड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी हमें और भी मतलब कुछ भी करना है, इबादत करने की, क्योंकि आज रात है इबादत करने की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं शाम में नहा कर आई थी इसलिए मेरे बाल खुले हैं, वैसे अब मैं चोटी बांध के रहने लगी हूँ। और मैं तो सुबह नहा कर आई थी तो इसलिए मेरे बाल अब सूखे हैं। तो अलविदा जुमा भी ऐसे ही निकल गया और बहुत जल्दी टाइम चला गया, और ये रमजान भी हमारा ऐसे ही चला गया यार। और याद आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि रमजान में जो बात होती है वो तो सबसे अलग ही होती है। और आप लोगों को आएगी ना याद, आप लोगों को भी आएगी, आप लोग कमेंट करके बताना। ऐसा था कोई चला गया और एक है ना हफ्ते तक बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। हाँ, पूरे महीने ईद वाले, ईद के पूरे महीने ऐसा लगता है कि रमजान में क्या करते थे, इस टाइम पर खाते थे। हाँ। तो चलो बस यही पे खत्म होता है हमारा व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह होगा हमारा ईद का व्लॉग जिसमें मैं चांद रात से लेकर ईद तक का सब कुछ दिखाऊंगी आपको। और आप लोग कमेंट में बताना कि हम लोगों को मेहंदी लगानी चाहिए। हाँ यार, आप लोगों से हम सवाल बहुत पूछ लेते हैं क्योंकि हमें ना कोई बताने वाला नहीं होता, हम जिससे पूछते सब जाके बोलते हैं यार पूछ लो जाओ किसी और से। तो एक आप ही लोग हैं जो हमारी बात को सुनते और हमारी बात का जवाब देते हैं। तो आप लोग अगर अभी हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो करो, और स्नैपचैट पे भी तो आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यहीं पर खत्म होता है ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए सन नेली ब्लॉग्स। तो अब आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।